और शीघ्र ही हमारे दिवाली मेला महोत्सव का आज भव्य आयोजन का शुभारंभ आपके बीच होने वाला है। यह दोस्तों आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता शहरी आजीविका केंद्र डूडा पुरे जो कि सरकारी व गैर सरकारी सेवा प्रदान में सहायक भी है। पुनः आप सभी आए हुए आगंतुकों का बार बार अभिनंदन वंदन करते हुए अनुरोध है हमारी मंच की व्यवस्था जो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है दीप प्रज्वलन के लिए दीप हमारी मंच पर है उसके लिए निर्धारित स्थान हमारी काउंटर जो हमारे निर्धारित स्थानों में बनी हुई है उनके सामने हमारी मंचल गड़ी हुई अपनी टू व्हीलर लाइट खड़ी हुई है और साइकिल खड़ी हुई है और व्यवस्था की हुई है क्योंकि ये हमारी प्रशासनिक करना पड़ता है अपने यहाँ रखी हुई हमारे जीवन यापन करते हुए ऐसे परिवार से संबंध लिए योजना है जिसमें स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए बैंक के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण अधिकतम 2 लाख एवं समूह में 1-3 लाख हैं ऐसे समूह निगमों के लिए ऐसे 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है क्योंकि योजना का नाम सरकार रुपए तक की द्वितीय किरण की किस्त प्राप्ति का भुगतान बैंक के माध्यम से होता है। पद विक्रेताओं को डिजिटल कुछ तो है तेरे और मेरे दरमियान वरना यूं बार बार मुलाकात न होती और लबों पे खामोशी आंखों से यूं बात न होती और ये दिल कब का धड़कना छोड़ देता ऐ काना इसमें अगर आपकी प्यारी थी यार हमारी Thank you.
प्यारी प्रस्तुति और इसी के साथ हमारे बीच सर्टिफिकेट कुछ डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हमारे मुख्य अतिथि हमारी जिलाधिकारी महोदय के कर कमलों से देवी नेहा देवी डॉटर ऑफ जितेंद्र यादव वर्षा एंड नेहा जी सो प्लीज आपको इनवाइट कर रहे हैं स्टेज पर आप आ जाइए वर्षा जी और नेहा जी प्रशिक्षण कराया हुआ है और ये सर्टिफिकेट है जो एक कोर्स पूरा के माध्यम से कराया हुआ है जिसके बाद जो भी एक करके शिवानी बाथम राज्य के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत एक एक करके कर्मचारी हो रहे नेहा नेहा कुमारी नेहा कुमारी राखी सचेंद्र सिंह ये एक एक करके क्रमशः धर्मेंद्र जी धर्मेंद्र मिनी सिंह मिनी जी और इंद्रपाल सिंह
हमारे नगर पालक के अधिशासी अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं यहाँ उपस्थित समस्त नागरिक, मीडिया बंधु और पेरेंट्स के बच्चों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि जैसे ही हमारे त्यौहार आते हैं तो हमारे जो छोटे छोटे पथ विक्रेता होते हैं वो सड़क के किनारे, तो उन सभी को गरिमापूर्ण आजीविका के अवसर दिलाने के लिए एक जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी प्रार्थना लोगों के सभी समावेशी विकास के जो उदाहरण के अंतर्गत ये मेले की आयोजन के लिए सभी जनपद में निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में जनपद जालौन में भी ये मेला आयोजित किया जा रहा है। यहाँ जो हमारी पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी हमारे पथ विक्रेता उन सभी को स्टॉल दिए जाएंगे, विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए स्टॉल लगे हैं। यहाँ यदि इस मेले में कोई किसान आता है तो पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित अपनी शिकायतें दूर करा सकता है, समाज कल्याण की किसी पेंशन से संबंधित शिकायत है उसको दूर करा सकता है, या ग्रामीण आजीविका मिशन या शहरी आजीविका मिशन दोनों के अंतर्गत किसी प्रकार का सहयोग या यदि होना चाहिए तो वो भी प्राप्त कर सकता है। तो विभिन्न विभागों की जो योजनाएं हैं उनकी भी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। और इसके अतिरिक्त जैसे हमने समूह बनाया, लेकिन समूहों को हमेशा एक बाजार की तलाश होती है कि अपना मार्केट हो कहाँ भूरे, जिससे कि जो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो उन्हें बाजार में बेचे जा सके। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये मेला आयोजित किया गया है। यहाँ समूह की महिलाओं को भी स्टॉल मिलेंगे, हमारे पथ विक्रेताओं को भी स्टॉल मिलेंगे और सभी को जो है वो दीपावली के दौरान आजीविका अर्जन करने का महत्वपूर्ण मौका मिलेगा। और हमारे स्थानीय नागरिक भी इस मेला को विजिट करके न केवल सरकारी योजनाओं के बारे में जान पाएंगे बल्कि अपने दीपावली के लिए त्यौहार की बहुत सारी चीजें भी यहाँ से खरीद पाएंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ आए, आप न केवल अपने जो हमारे पथ विक्रेता है वो अपने स्टॉल लगाए जबकि आम नागरिक भी इस मेले में आकर प्रतिभाग करें और सभी को एक अच्छा सा आजीविका अर्जन का अवसर है। इस चैप्टर के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और वैक्सीनेशन का भी हमने एक कैंप लगाया है, कोविड वैक्सीनेशन का, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्राथमिकता है कि शत प्रतिशत टीकाकरण हो, तो उसी को उद्देश्य को ध्यान में रखते जो लोग बच गए हैं यदि मेले में वो आते हैं तो यहाँ पर टीकाकरण कराया जा रहा है या जिनकी सेकेंड डोज जो है वो भी यहाँ टीकाकरण कराएंगे तो ये पूरे जब तक 4 नवम्बर तक दिवाली का हमारा जो मेला होगा उसमें ये टीकाकरण किया जाएगा। धन्यवाद। एक बार दोस्तों हमारे बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा गुलाब चंद महोदय को, क्योंकि हमारे बीच में आज के भव्य दिवाली महोत्सव के शुभारंभ पे हम सभी के बीच में उद्बोधन। कौन कौन से स्टॉल लगाए हैं, क्या उसका उद्देश्य है? देखिए जनपद जालौन में अपने समर्पण से शासन द्वारा किए गए निर्देशों के अंतर्गत विकास दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत जो हमारे स्वनिधि कार्यक्रम के लाभार्थी हैं स्वनिधि योजना के, उन पथ विक्रेताओं को और अन्य सभी ऐसे विभिन्न वर्गो के व्यवसायियों को आजीविका के अवसर प्रदान किए गए हैं कि दीपावली के अवसर पर इस मेले के माध्यम से सभी को आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे। और ये इस समय देश की हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ये जो मेला है वो नई गति देगा और साथ ही जनपद के जो भी नागरिक हैं विभिन्न नगर पालिकाओं में, 4 नगर पालिकाओं में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है जहाँ के स्थानीय व्यवसायियों को इस मेले का पूरा लाभ मिलेगा। मैम कौन कौन से विभाग इसमें जो स्टॉल लगाए गए हैं और कौन लोग लाभान्वित प्रमाणपत्र बांटे गए हैं, कौन कौन? इस मेले में हमने सरकारी विभागों के विभिन्न स्टॉल्स को लगाए गए हैं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसके पश्चात हैंडमेड पेपर या ओडीओपी के जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनका, तथा विभिन्न समस्त सरकारी विभागों से कृषि, स्वास्थ्य और महिला और बाल विकास, अन्य सभी विभागों के जो यहाँ स्टॉल हैं वो लगाए गए हैं। जो हमारे स्वयं सहायता समूह की महिला है चाहे वो शहरी ग्रामीण आजीविका मिशन की हो या दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन की हो, सभी दोनों ही समूहों की महिलाओं को यहाँ आजीविका के अवसर पर स्टॉल प्रदान किए गए हैं। और इस नगर पालिका में जो स्थानीय पथ विक्रेता हैं उनको भी यहाँ स्टॉल दिए गए हैं और इसके अलावा अन्य जो लोकल उद्यमी हैं उनको भी स्टॉल लगाने का अवसर प्रदान किया गया है ताकि सभी अपनी आजीविका को अर्जन कर सकें। कब तक ये मेला चलेगा? यह मेला 28 अक्टूबर आज से प्रारंभ होगा और दिवाली तक चलेगा, 7 दिन तक चलने वाला है। मेला लगाया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य और क्या कहेंगे? आज़ादी के महोत्सव के अवसर पर 70वें वर्ष पर आज दीपावली के आने वाली दीपावली तक इस आज़ादी के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया गया है और इस मेले के माध्यम से जितने भी विभाग हैं उनके सब स्टॉल लगे हैं और विभागों की जानकारी इस मेले के माध्यम से कृषक लोगों को, मजदूर लोगों को और कौशल योजना के माध्यम से जिनको टैन दी गई और वैक्सीनेशन की और बकाया आंगनबाड़ी केंद्र के सभी स्टॉल लगे हैं, जिससे रूप से इस मेले से मेले की
माध्यम से उत्तर प्रदेश के एसएससी को पंजीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि गरीब बेसहारा जनता इसको योजनाओं को लाभ लेना है, इस रैली के माध्यम से मेले में आए, अपने रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के बाद उस मेले के माध्यम से जो पहले आएगा वो उस लाभ का पहले पाएगा। इस योजना के साथ भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है उनको लाभ देने का काम सरकार कर रही है। प्रमाण पत्र भी बांटे हैं, कितने लोगों को बांटे गए हैं, कौन से लाभार्थियों को दिए हैं? आज फैशन डिजाइनर की महिलाओं को जैसे प्रमाण पत्र बांटे गए हैं, कुछ लोगों को बैंकों के माध्यम से व्यापार करने के लिए 2 लाख की लोन पास हुए हैं उनको प्रमाण पत्र बांटे गए हैं, कौशल योजना के माध्यम से तमाम महिलाओं को जो ट्रेन चिंतक कर रहे हैं उनको प्रमाण बांटे गए हैं। जिन जिन योजनाओं का लाभ देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना का लाभ देना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से जिन्होंने घोषणा दिया है उनको सभी को लाभ देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तेजी के साथ कर रही है। एक इस मेले का उद्देश्य है उन सबको उसका लाभ मिले। कब तक ये मेला चलेगा बताइए? ये मेला 28 अक्टूबर से लेकर और दिवाली तक ये मेला चलेगा। इसमें विशेष रूप से दीपावली के जो दीपक हैं वो गोबर के बने हैं, बहुत अच्छे दीपक हैं। विशेष रूप से हम लोग ये प्रयास करेंगे कि आम जनता मिट्टी के दिए और गोबर के दिए भेजकर घर पर दीपावली मनाएं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको रोजगार मिले और समूह के माध्यम से रोजगार देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी।